Hello. Am I audible to you all? Yes, sir. Okay, okay. Okay. ठीक है. Yes, sir. तो अभी मैं बोल रहा था आपको कि अब हम जो है मतलब जब हम वहां पे बात करेंगे ना यहाँ फर्स्ट ईयर में आप कुछ नाम और सुनेंगे. जैसे आप यहाँ पे सुनोगे यू विल लिसन हियर दैट इज लाइकोप्सिडा. लाइकोप्सिडा इसी तरह से आप यहाँ पे ब्रायोप्सिडा. ब्रायोप्सिडा एक और वर्ड आप सुनेंगे ब्रायोप्सिडा. ठीक है. इसी तरह से जो है स्फिनोप्सिडा. स्फिनोप्सिडा इसी तरह से आपको एक वर्ड यहाँ पे और मिलेगा फर्स्ट ईयर में यानी टेरिडोफाइट्स में फर्नस में दैट इज टिरोप्सिडा. तो ये जो है ना ये सिडा वाले. ठीक है. ये जो सिडा वाले हैं तो अब अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जाएगा स्फिनोप्सिडा इज ए. स्फिनोप्सिडा इज ए ऐसे होगा स्फिनोप्सिडा इज अ. ठीक है. तो इज अ में जो है पहली वाली ऑप्शन होगी वहां पे लेट इट बी ऑर्डर. ठीक है. दूसरी ऑप्शन होगी डिविजन. तीसरी ऑप्शन होगी क्लास. चौथी ऑप्शन होगी जीनस. तो मुझे बता दो आंसर क्या आएगा. व्हाट इज क्लास. क्लास क्लास क्लास. हैव यू गॉट इट. आप समझ में आया ना. यस सर. यस सर. इसी तरह से जो है सपोज ऑर्डर के लिए ऐसा होता है मैं आपको बता दूं रोजेल्स आर ओ एस ए एल एस रोजेल्स. इसी तरह से जो है रेनेल्स. दूसरा है रेनेल्स. तो लास्ट में जो है क्या लगेगा ए एल एस. तो इसे आप इसको पहचानोगे या आप खुद देख सकते हैं आपकी जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी में ऐसे करके तीन फैमिलीज दी गई है जो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ने हैं. वो कैसे हैं. पहली फैमिली जो एनसीईआरटी में दी गई है दैट इज देयर उसको वहां पे लिखा है फैमिली फैबेसी. ये आपने पढ़ना है यहां पे. इसी तरह से फर्स्ट ईयर में दूसरी फैमिली जो आपने पढ़नी है उसको वहां पे लिखा है फैमिली सोलेनेसी. दिस इज सेकंड फैमिली. ठीक है. और थर्ड फैमिली जो यहाँ पे है दैट इज उसको हम यहाँ पे कहते हैं फैबेसी आ गया सोलेनेसी आ गया और थर्ड आ गया लिलेसी. सर. हाँ बोलो बोलो. आई एम लिसनिंग. बोलो कोई कुछ बोलने वाला था. एनी क्वेश्चन. नो सर. सुनाई नहीं दिया था इसलिए अब अच्छा, दे रही है. अब सुनाई दे रहा है. ओके. यस सर. ओके. तो मैं बोला कि आपके फर्स्ट ईयर में यानी इसी जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी इसमें तीन फैमिलीज हैं. तीन फैमिलीज को आपने मोर्फोलॉजी में पढ़ना है. तो पहली फैमिली है फैबेसी. वहां पे लिखा है फैमिली फैबेसी. इसी तरह से लिखा है सोलेनेसी एंड लिलेसी. Now, अब जो मुझे आपको समझाना है वो ये चीज है. अब अगर आपसे कोई नहीं बोलेगा कोई बोलेगा नहीं कि ये फैमिली है लेकिन आप देखो लास्ट में क्या है. तीनों जगह पे लास्ट में है ए सी ई ए जिसको हम एशी पढ़ते हैं. इसी तरह से यहाँ पे भी ए सी ई ए एशी. इसी तरह से यहाँ पे भी ए सी ई ए एशी. तो इससे क्या मतलब हम ये चीज कर लेंगे इसका जो है हम सम अप कह करके क्या बोलेंगे कि फैमिली जो है फैमिलीज में सफिक्स जो होता है दैट इज ए सी ई ए लगता है. यानी दीज आर शॉर्टकट्स. आई मीन टू से दीज आर शॉर्टकट्स टू गेट द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ये आपके पास क्या है ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिनको आपने याद रखना होता है. इन शॉर्टकट्स की मदद से जो है आप अपने एमसीक्यूज में जो है अच्छा कर सकते हैं. तो इज इट क्लियर. ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए. पढ़ने की कोशिश करेंगे. जो कैटेगरीज हमने देखी है तो उन्हीं कैटेगरीज के बारे में अब हम यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे लिखते हैं. ठीक. कैटेगरीज के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या बनेगी अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में जाते समय पहली वाली कैटेगरी कौन सी होती है. हम स्पीसीज से ही स्टार्ट करते हैं.
दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है ना, ये फर्स्ट कैटेगरी है। तो जरा मुझे बोलो स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज? हाँ बोलो। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर। यस, सिंपल हम बोलेंगे स्पीसीज के बारे में, इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली मतलब हम कहेंगे अबाउट 90% मान लिया आप, 80-90% हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है दे आर सिमिलर इन कैरेक्टर्स, दे आर सिमिलर इन कैरेक्टर्स। तो यहां पे हम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके पास अगर एक बच्चे के पास नाक है तो दूसरे के पास भी नाक है तो ये कैरेक्टर आ गया, एक के पास दो कान है तो दूसरे के पास भी दो कान है, ठीक है। लेकिन अब कुछ डिफरेंसेस भी है, एक के पास नाक छोटी होगी दूसरे के पास बड़ी होगी, बात समझ में आ रही है। एक के पास कान जो है मतलब वो जिसको हम कहते हैं ना अटैच्ड होगा, ईयर लोब्स आपने टेंथ में देखा पढ़ा होगा शायद, ईयर लोब्स अटैच्ड, वो जो कान के नीचे वाले साइड होता है ना नीचे वाला, या वो ईयर लोब जिसको हम कहते हैं वो अटैच्ड होगा, दूसरे का कान जो होगा उसके ईयर लोब्स फ्री होंगे। सो देयर आर डिफरेंसेस एज वेल, लेकिन देयर आर मतलब मोस्टली देयर व्हाट, दे आर सिमिलर इन देयर कैरेक्टर्स। ये जो है ये पहली बात है, जनरल डेफिनेशन है, दिस इज जनरल एंड कॉमन डेफिनेशन ऑफ दिस स्पीशीज। इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है, हैविंग सिमिलरिटीज। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं, देयर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, स्टैटिक कॉन्सेप्ट इज देयर, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज देयर, ठीक है। तो अब हम अगर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एंड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हम अपनी बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक मतलब ऑफ आवर ओन, वी विल टॉक ऑफ व्हाट, हम यहाँ पे एक बायोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिसने स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया, उस बायोलॉजिस्ट का नाम था मेयर, मेयर उसका नाम था MAYR। मेयर जो है इसको शायद इसे पहले भी मैंने आपको बोला था कि इसको मेयर को हम मतलब डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, डार्विन ऑफ, जैसे डार्विन और डार्विन जो पढ़ते हैं ना, जो एक बढ़िया बायोलॉजिस्ट था जिसने थ्योरी ऑफ व्हाट एवोल्यूशन वगैरह दी है, तो मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं। तीन प्राइजेस गए हैं मेयर को, बड़े बड़े मतलब जो है इसने काम अंजाम दिए आप समझ सकते हैं। तो मेयर ने स्पीसीज के बारे में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया, और मेयर ने क्या कहा, मेयर ने जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया इसने बोला इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हो गया ठीक, वहां तक तो क्लियर है। लेकिन फिर उसने कुछ चीजें ऐड की, वो मैं आपको बता दूं। इसने बोला ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, मेयर का कहना है कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो ग्रुप क्या कर पाएगा, विच कैन इंटरब्रीड या विच हैव द पोटेंशियल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो इंटरब्रीड करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इंटरब्रीडिंग, जो इंटरब्रीड करेगा। अब इंटरब्रीड क्या आ गया, इंटरब्रीड को आप यहां पे एक और नाम से भी जान सकते हैं, इंटरकोर्स, दिस इज यहां पे सेकंड टर्म फॉर द इंटरब्रीड। यानी इंटरब्रीडिंग और इंटरकोर्स करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो वाली प्रोसेस जब वो करेंगे, ठीक है, मेयर का कॉन्सेप्ट है। और मेयर का कॉन्सेप्ट ये भी है, दूसरा पॉइंट इसमें, इतना ही मतलब काफी नहीं है इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग ही काफी नहीं है। दूसरा पॉइंट मेयर ने ये बता दिया कि आफ्टर हैविंग द इंटरब्रीडिंग, आफ्टर हैविंग द इंटरकोर्स और इंटरब्रीडिंग, तो वो क्या करेंगे, वो एक जो है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दे विल जनरेट ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आफ्टर हैविंग द इंटरब्रीडिंग। तो ये मेयर का मेन चीज था, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, आप ऐसे समझ सकते हैं
कि जो हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये एक किस्म का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये मेन पॉइंट है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मतलब क्लियर करता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आपको ये बात समझ में आई कि और समझाना है? समझ में नहीं आया होगा सर, प्लीज रिपीट अगेन सर, एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ, मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा जो है ज्यादा डीप नहीं गया था, तो इसलिए मुझे मालूम है कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड। अब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बोलना पड़ेगा। तो देखो क्या है इसका, ये चीज है कि हम ऐसे बोलो आप स्पीसीज जो है, स्पीसीज स्पीसीज में एक हमारी स्पीसीज है ह्यूमंस की, यानी होमो सेपियंस, ठीक है। तो ह्यूमन की जो स्पीसीज है दैट इज होमो सेपियंस। एक ह्यूमन में लूंगा, दूसरी ओर मैं यहां पे लेट इट बी काउ लूंगा, तीसरी ओर में यहां पे पोटैटो लूंगा। प्लेट से भी एक लेते हैं समझाने के लिए, पोटैटो। देखो आप इसका माना क्या है, इसका मानना है मेयर का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मान ले ह्यूमन बींग्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन अब यहां पे आपको ऑलरेडी पता है जो भी स्पीसीज होता है ये ऊपर वाले की कुदरत है, ऑलमाइटी अल्लाह, ठीक है। तो इसी तरह से जो भगवान कहते हैं, तो जो भी कुछ कहते हैं, तो ये नेचर का फितरत है, नेचर का कुदरत है, नेचर का पावर है, पोटेंस, मतलब हम कहेंगे कि उसका बिल्कुल जो है एक यूनिक चीज है जो उसने किया। वो क्या कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका जोड़ा बना दिया, जिसको हम कहते हैं यहां पे मेल और फीमेल, ठीक है, यानी पेयर्स में उसको क्रिएट किया, पेयर्स में मेल और फीमेल। इवन की प्लांट्स में भी मेल और फीमेल है, इवन इन प्लांट्स टू हैव द मेल और फीमेल। तो यहां पे इसने क्या बनाया, इसने क्या बता दिया मेयर ने, इसने बोला कि ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा, ये ऑर्गेनिजम्स एक तो सिमिलर होंगे, अब सिमिलर ही काफी नहीं है, दे विल बी एबल टू, यानी यहां पे मेल जो है मेल और फीमेल विल बी एबल टू गो फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या बोलेंगे साइंटिफिकली जूलॉजिकली हम ये बता सकते हैं कि या हम ये भी बोलेंगे जिसमें मेल का प्रोसेस ऐसी होगी जिसमें मेल का स्पर्म जो है वो मिंगल अप हो जाएगा फीमेल के एग से, वो कंबाइन हो जाएगा फीमेल के एग से, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी ये चीज। अब आप कहेंगे सर हमें फिर समझ में नहीं आया, अब मैं फिर आपको एग्जांपल दे देता हूं। अब अगर आप इस मेल को, चलो यहां तो नहीं मैं समझा दूंगा, यहां पे थोड़ा ठीक नहीं हो जाएगा, मैं दूसरे यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये चीज आपको आ गया ना, मतलब इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है जिसमें स्पर्म और एग जो है फ्यूज होता है, उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो उस वाली पूरी एक्टिविटी को आओ, अब आप पूरी उस फिनामिना को क्या कहेंगे, आप पूरी उस फिनामिना को याद रखें, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब हुआ विद इन द स्पीसीज जो इंटरकोर्स होता है विद इन द स्पीसीज, उसी को हम इंटरब्रीडिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरब्रीडिंग। अब आप एक और पॉइंट सुनने, उसे आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगर यहां पे हम कौकी एग्जाम्पल लें, कौकी या कौकी एग्जाम्पल हम ले यहां पे, तो कौ में जो है इसमें भी आपका मेल और फीमेल है, कौ में भी यहां पे क्या है मेल और फीमेल, ऑक्स दिस वन। अब यहां पे मेल और फीमेल यहां पे भी है, उसके बाद यहां पे एक और इससे मिलता जुलता एनिमल है जिसके चार टांग है, घास खाता है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज हॉर्स, वो यहां पे हॉर्स है या डॉग है। काउ के बजाय में और कोई लेता हूं, ठीक है, एक मिनट। मैं यहां पे डॉग लेता हूं, लेट मी टेक डॉग हियर, ठीक है। अब आप देखो, अब यहां पे क्या है, यहां पे जो है यहाँ पे हमने सिंपली एक जगह पे डॉग लिया, दूसरी जगह पे हॉर्स लिया। नाउ सी, अब यहाँ पे हॉर्स लिया, हॉर्स का भी क्या है, इसका भी आपको ऑलरेडी पता है, इसका भी आएगा
मेल और फीमेल, ठीक है। तो यहां पे देखो आप, जब हॉर्स का मेल जो है फीमेल के साथ इंटरकोर्स करेगा, ठीक है, तो इंटरकोर्स करने के बाद आपको पता ही है यहां पे इनका बेबी पैदा होता है, एक बच्चा आता है, एक न्यू वन यंग ऑर्गेनिज्म, यंग वन आता है, एक बच्चा इनसे होता है यंग वन। जब कौन कौन इंटरकोर्स करेगा, हॉर्स का मेल और फीमेल, तो ये इंटरब्रीडिंग है, इंटरब्रीडिंग। लेकिन इंटरब्रीडिंग हम ये भी कह सकते हैं कि हम बोलेंगे नो से, मतलब ऐसा अगर आप कहेंगे कि हम हॉर्स का मेल जो है, यहाँ पे हॉर्स का मेल हम डॉग के फीमेल से इंटरकोर्स कराएंगे, ठीक है। अब बाय फोर्स या बाय आर्टिफिशियल मीन्स हमने कराया, आप ऐसे समझो आर्टिफिशियल मीन्स हमने ऐसा कराया, लेकिन वहां पे क्या होगा, जो मेयर का दूसरा पॉइंट था, यहां पे पहली बात है कि यहां पे बच्चा, देयर विल बी नो चाइल्ड, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस में भी बता देता हूं, अभी आप ये सुन ले, देयर विल बी नो चाइल्ड, यहां पे कोई बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हॉर्स अलग चीज है और डॉग अलग चीज है। सो जितने भी, यानी जिस हम बोलेंगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें वो मेल और फीमेल जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं और बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, और सिर्फ बच्चा पैदा करना काफी नहीं है, ओनली प्रोडक्शन ऑफ बेबी इज नॉट, फॉर्मेशन ऑफ बेबी इज नॉट एनफ, बल्कि वो जो बच्चा है वो बच्चा वहां पे फर्टाइल होना चाहिए, दैट चाइल्ड मस्ट बी व्हाट, दैट मस्ट बी फर्टाइल, दैट शुड बी फर्टाइल। तो फर्टाइल का मतलब क्या आ गया, फर्टाइल का मतलब ये चीज आ गया कि जब ये बड़ा हो जाएगा, ये बच्चा जो है, ये न्यू वन जो है, ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होके अगर ये मेल है, ही शुड बी कैपेबल टू फर्टिलाइज द फीमेल, अगर ये फीमेल है, ही शुड बी कैपेबल टू रिसीव द स्पर्म्स वगैरह। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हेलो, यस सर, ये जो है ना, ये इसका मेन चीज है। तो इसका मतलब ये चीज आ गया, इसमें एक्सेप्शन भी है, मैं एक्सेप्शन भी अभी बता देता हूं आपको, लेकिन पहले आप मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा मतलब एज पर जो है थोड़ा टिपिकल भी है, लेकिन आप समझाए बगैर रखेंगे तो प्रॉब्लम, ऐसे फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया, वरना मैंने इसको ऐसे रहने दिया था। तो पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट ये है, जैसे अब हम यहाँ पे पोटैटो से लेंगे, पोटैटो का आपको पता ही है, पोटैटो का जो मेल है वो प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स को, दैट विल प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स, और उसके बाद वो पोलन ग्रेन्स किसको डस्ट करेंगे, किस पे वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे स्टिग्मा पे, जो फीमेल होता है वो स्टिग्मा पे आ जाएंगे, और स्टिग्मा के थ्रू जो है वो पहुंच जाएंगे वो पोलन ग्रेन्स एग सेल में, दैट विल रीच टू द एग सेल, वो एग सेल में पहुंच जाएंगे। पोटैटो का फिर से बता देता हूँ। अब देखो, पोटैटो जो है, जो पोटैटो प्लांट होता है, पोटैटो प्लांट में जब फ्लावर निकल के आता है, अगर ये प्लांट है इसका, ये यहां पे फ्लावर आ गया, इस फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं, इसमें मेल भी रहता है और इसमें फीमेल भी रहती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये जो मेल होता है ना, मेल यहां पे जिसको हम कहते हैं स्टैमेन, आगे मोर्फोलॉजी में हमने पढ़ाना है इसको, इन्हें हम बोलेंगे यहां पे स्टैमेन। अब स्टैमेन जो होता है, स्टैमेन प्रोड्यूसेस व्हाट, स्टैमेन यहां पे पोलन्स को प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस द पोलन्स, और फीमेल जो होती है, फीमेल यहां पे एग सेल को प्रोड्यूस करेगा, एग सेल। तो यहां पे आप ये चीज याद रखो, अगर पोटैटो का पोलन ग्रेन अपने एग सेल पे आएगा, यानी अपने प्लांट पे, एक पोटैटो के प्लांट पे, जिसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, या दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, तो अगर ये पोलन ग्रेन एग सेल पे आता है ना, इस एग सेल पे, तो व्हाट विल हैपन, आप एक चीज याद रखो, तब जाके जो है यहां पे सीड बनेगा, सीड यानी सीड इसका बच्चा माना जाएगा, क्योंकि सीड से ही नया प्लांट बनेगा।
सीड से ही नया प्लांट बनेगा, तो सीड इसका क्या माना जाएगा? सीड इसका बच्चा माना जाएगा एक किस्म का। बट रिमेम्बर वन पॉइंट, अब अगर हम यहाँ पे पोटैटो, ये पोटैटो प्लांट था, यहाँ पे मैं